कोरोना वायरस के चलते देश में लॉकडाउन के बीच अन्य राज्यों में फंसे हिमाचल प्रदेश से संबंधित लोगों को वापस लाने की कवायद की जा रही है। तो वहीं बेंगलोर से ऊना पहुंचे प्रदेश के लोगों को एचआरटीसी की बसों के माध्यम से गृह जिले पहुंचाने का काम भी किया गया। इसी के मद्देनजर बेंगलोर से लौटे बिलासपुर से संबंधित 22 लोगों को एचआरटीसी बस चांदपुर लेकर पहुंची, जहां नर्सिंग कॉलेज में 19 लोगों को क्वारंटाइन किया गया, जबकि दो महिलाएं सहित एक व्यक्ति को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रेस्ट हाउस में क्वारंटाइन किया गया। वहीं बेंगलोर से बिलासपुर पहुंचते ही लोगों के चेहरे में खुशी देखने को मिली। वहीं लोगों की माने तो कोरोना वायरस के चलते बेंगलोर के रेड जोन में आने से उन्हें वहां रहने में घबराहट हो रही थी। काम धंधा बंद हो गया था, जिसके चलते वे बिलासपुर वापस आना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने लंबा इंतजार भी किया। वहीं अब वापसी पर प्रदेश में आकर उन्हें अच्छा महसूस हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद किया और मुख्यमंत्री का आभार जताया। क्वारंटाइन नहीं थे, नॉर्मल थे, बट दिक्कत ये आ रही थी कि थोड़ा सा वहाँ क्या है कि रेड जोन में आ गया एरिया ना, तो उस वजह से जैसे हमारा जैसे काम वगैरह जो चीज़ें बंद हो चुकी हैं उसकी वजह से हमें यहाँ आना पड़ रहा है। वापिस आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, हिमाचल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए हम बहुत धन्यवादी हैं उनके, साथ में कर्नाटक सरकार के भी। प्रॉब्लम तो काफ़ी आई, पर फिर भी कर्नाटक सरकार ने हमारी बहुत हेल्प करी, जैसे मतलब खाने के लिए दिया सब कुछ, और स्क्रीनिंग वगैरह टेस्ट सब कुछ हुए। फिर उसके बाद ट्रेन का भी उन्होंने वो जैसे यहाँ की सरकार ने किया तो स्पोर्ट वहाँ की सरकार ने भी किया। अच्छा, वहाँ जॉब करते थे आप? नो सर, मैं तो अभी गई थी अपने हस्बैंड के साथ। जॉब करते थे हस्बैंड? हाँ जी सर। वापस आके कैसा लग रहा है हिमाचल में? जी सर, हिमाचल आके कैसा लग रहा है वापस? बहुत अच्छा लग रहा है अपने हिमाचल प्रदेश में आकर। इस मौके पर नोडल अधिकारी व तहसीलदार अमित कुमार का कहना है कि बाहरी राज्यों में फंसे जिला के लोगों को वापस लाने के जिला प्रशासन के प्रयास लगातार जारी हैं, और जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहा है उसे क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन कर रहने व खाने का उचित प्रबंध किया गया है। आए हैं और ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के हैं, टोटल 22 लोग आए हैं, इसमें से 20 जेंट्स हैं, 2 लेडीज हैं, एक कपल है। तो 19 जो जेंट्स हैं उनका हमने इंतज़ाम डोगरा नर्सिंग कॉलेज चांदपुर में कर दिया है, हर प्रकार की सुविधा उनको यहाँ मुहैया करवा दी है, और जो एक कपल है और एक लेडी है उनका हमने इंतज़ाम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रेस्ट हाउस में किया है। सर, कितने दिन तक इनको क्वारंटाइन यहाँ पे रखा जाएगा? अब ये तो प्रशासनिक फैसला है, इसके बारे में अभी मुझे नॉलेज नहीं है, तो जितने भी दिन होंगे उनका ध्यान सर, रखा जाएगा। भी लाने की कवायद लगातार जारी, और जो लोग हैं बाकी राज्यों में उनको भी लाने के लिए लगातार? हाँ, उनका भी लगातार प्रयास जारी है और प्रशासन इसके लिए तत्पर है, सरकार इसके लिए तत्पर है।